कपड़े पहनने का मौसम आ रहा है, त्यौहार भी हैं, मन भी है, लेकिन नए कपड़े कई बार पहनते ही हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इरिटेशन हो रही है, कुछ रैश हो रही है। ये आखिर क्यों होता है? हर कपड़ा जो है, एक तो उसकी नॉर्मल फाइबर है और किस तरह से उसमें कलर दिया गया है, ये सब चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो आपको कितना सूट करेगा। पहली बात, नेचुरल फाइबर हमेशा बेहतर होती है और जो भी सिंथेटिक फाइबर होती है उसका इरिटेशन पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, त्यौहार के कपड़े जगमग होने चाहिए, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ भी उसकी क्रीज है, जहाँ भी वो स्किन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर कोई जरी गोटा या मोटी सिलाई ना हो। दूसरी चीज़, बच्चों के, खासकर 2 साल से छोटे बच्चों के कपड़े हमेशा धो के उन्हें पहनाने चाहिए, क्योंकि वो जो डाइज होती हैं वो स्किन को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं, और एक बार ये इरिटेशन शुरू हो जाती है तो वो फिर ठीक होने का नाम नहीं लेती है। दूसरी चीज़, मौसम के हिसाब से माकूल कपड़े हमें पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी रहती है, दिवाली तक भी हल्का सा पसीना आ रहा है, तो सिंथेटिक कपड़े ना पहने, और अगर पहन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पहने, उन्हें फटाफट चेंज कर लें, क्योंकि जहां भी पसीने के कॉन्टैक्ट में कपड़ा आएगा उसका कलर ब्लीड कर जाएगा और आपकी स्किन में लग जाएगा। अगर आपको इरिटेशन हो गई है, आपको लग रहा है कि कपड़ा इसकी वजह है, पहली चीज़ तो इरिटेशन को ठीक कीजिए, जिसके ऊपर आप कोई भी सूदिंग क्रीम लगा सकते हैं, और तीसरी चीज़, जब भी उस कपड़े को दोबारा पहने, पहले टैल्कम पाउडर या स्किन के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ लगाएं, कैलामिन लोशन, ताकि वो कपड़ा डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर फिर भी वो एलर्जी कर रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम सबके लिए है। तो हमेशा नेचुरल फाइबर पे लूज कपड़े और नेचुरल डाइज का ही इस्तेमाल करें।